उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रदेश में कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार को मजबूत बनाने और समन्वय की दिशा में किए जा रहे सराहनीय कार्यों को लोगों के साथ साझा किया। इसके साथ ही परिषद की भविष्य की रणनीति और योजनाओं को भी लेकर अपने विचार रखे। गोमती नगर स्थित किसान मंडी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने बीते दो वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और परिषद के आगामी लक्ष्यों पर भी विचार साझा किए। संस्थान की स्थापना हुई है तब से बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हम लोगों ने जो दास का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था, ये उपकार के द्वारा ही चलाया गया था और वर्ल्ड बैंक की भी कई 44 परियोजनाएं भी इसी उपकार के द्वारा चलाई गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने किसी शिक्षा नीति भी तैयार की थी जो हम लोगों ने किसी भाग को दिया है, और हमारे द्वारा जो आत्मा जो परियोजना चलती है उसका भी इवैल्यूएशन और RKY जो राष्ट्रीय किसान विकास योजना का भी इवैल्यूएशन उपकार के द्वारा किया गया था, लेकिन बीच में किसी कारणवश ये सब बंद हो गया है। गत दो वर्षों में हम लोगों ने जो भी कार्य किए हैं, खासकर पहला तो जब मैं ज्वाइन किया था उसके बाद हम लोगों ने उपकार स्थापना दिवस मनाया था जिसमें